ओम अज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को वैष्णव धर्म क्या होता है उसके बारे में समझा रहे थे। तो वो बताते थे कि जब व्यक्ति सभी जीवों को जैसे भगवान ने बताया है उसके प्रकार अगर उनके साथ व्यवहार करता है तो भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु हैं, एनवियस हैं, उनके साथ सहनशील होना है। जो व्यक्ति अज्ञानी है लेकिन निर्दोष हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर करुणा होनी चाहिए, उन्हें हमें भगवत ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और जो हमारे समान हैं गुणों में, जो भक्तगण हैं, उनका संग करना चाहिए, उनके साथ मित्रता होनी चाहिए। और सभी जीव, जितने भी जीव हैं, समानत्वम, सबको बराबर नजर से, बराबर दृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो जब भगवान का भक्त इस प्रकार से व्यवहार करता है इस संसार में तो भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, ये स्वयंभू मनु ने जो है ध्रुव महाराज को बताया था। तो अब आगे वो बताते हैं कि अगर भगवान संतुष्ट हो जाएंगे इस प्रकार से तो उसका क्या फल मिलेगा। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार से भगवान हमारे व्यवहार के द्वारा इसी जीवन में अगर संतुष्ट हो जाएं तो व्यक्ति इस भौतिक संसार के दो प्रकार की जो हमारे ऊपर कवरिंग है, दो प्रकार से जो आत्मा ढकी हुई है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, इन दोनों प्रकार के शरीर से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और मुक्ति मिल जाने के पश्चात पूर्ण प्रसन्नता, आनंद की प्राप्ति होती है। तो मतलब देखिए, सारांश में स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर देता है इस जीवन में, मान लीजिए हम अपना जीवन जी रहे हैं और इस प्रकार के हम कार्य करें कि भगवान संतुष्ट हो जाए, तो वो भी स्वयंभू मनु ने बता दिया कैसे भगवान संतुष्ट होते हैं। हमें सहनशील होना है, हमें करुणा रहनी चाहिए, हमें मित्रता करनी चाहिए, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, जैसा भी स्वयंभू मनु ने बताया
अगर हम उस प्रकार से अपने कार्य करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर इस जीवन में भगवान संतुष्ट हमारे कार्यों के द्वारा हो गए तो हमें क्या फल मिलेगा? फल ये मिलेगा कि इस भौतिक जो ये स्थूल शरीर है, पंचभूतों का जो बना हुआ ये शरीर है, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, तो दो प्रकार के शरीर में आत्मा बंधी हुई है, एक स्थूल है एक सूक्ष्म है, तो दोनों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और जब आत्मा को इस दोनों शरीरों से मुक्ति मिल गई तो क्या होगा? पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में केवल आनंद की प्राप्ति है। ये जो है सारांश में स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। तो यहां पर समझने लायक जो विषय ये है कि इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमें केवल भगवान की संतुष्टि मात्र के लिए कार्य करना चाहिए। तो अब अगर हम देखें संसार में अलग अलग जो श्रेणी के व्यक्ति हैं, क्या वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं? मान लीजिए आप देखिए, नास्तिक लोग हैं, वो तो भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं, तो भगवान की संतुष्टि के लिए कहां से कार्य करेंगे? तो मतलब नास्तिक लोग भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनकी तो इस पंचभूत के शरीर और जो सूक्ष्म शरीर है उससे उनकी कोई मुक्ति नहीं है। अब अगर हम लोग देखें जो कर्मी लोग हैं, नास्तिक नहीं है, भगवान में आस्था है, लेकिन अपने कर्म के फलों को वो भोगना चाहते हैं, भगवान की सेवा करके, भगवान की उपासना करके, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके केवल संसार को भोगना चाहते हैं, उन्हें कर्मी कहते हैं, जो अपने कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं। अब ये भी भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, वो केवल अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं। अब इनसे जो थोड़े ऊपर होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो मतलब स्थूल प्रकार से अपनी इंद्रियों को तो तृप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो भी सूक्ष्म तरीके से अपनी ही खुशी चाहते हैं, भगवान की संतुष्टि नहीं चाहते हैं, अपनी संतुष्टि चाहते हैं। ज्ञानी क्या करता है? अपने मन मन के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करता है, अपने माइंड के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। और उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य भगवान की संतुष्टि नहीं है, उसका लक्ष्य होता है कि मैं भगवान में जाकर के मिल जाऊं, भगवान में लीन हो जाऊं। तो भगवान उससे भी संतुष्ट नहीं है। क्या कोई पिताजी संतुष्ट होगा? बेटा कहेगा, पिताजी मैं संसार में बड़ा दुखी हूं, मैं दोबारा माँ के गर्भ में जाकर के मिल जाना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं है। पिताजी और माता संतान की पैदा आनंद के लिए करते हैं। बच्चा अगर कहे मैं दोबारा माँ के गर्भ में जाकर के माँ से एक हो जाना चाहता हूं, तो पिताजी संतुष्ट नहीं होते। इसी प्रकार से ज्ञानी भी भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। योगी जो होते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य भी अपनी संतुष्टि है। वो कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं, पानी के ऊपर चलना चाहते हैं, छोटे से छोटे जो है बन जाना चाहते हैं, बड़े से बड़ा बन जाना चाहते हैं। अनेकों प्रकार की योग सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धि बताई जाती है, वो उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी भगवान को संतुष्ट नहीं करना चाहते हैं। तो केवल भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना चाहता है। तो हम क्या सीख सकते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा भगवान जो है संतुष्ट होते हैं। जो प्रेम की जो भक्ति होती है, जिसमें कोई लेन देन नहीं है, उस प्रकार की शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर भगवान संतुष्ट हो गए, हम भी संतुष्ट, बाकी सब लोग भी संतुष्ट। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम,
अगर भगवान की तुष्टि हो गई तो सारे जगत की तुष्टि संतुष्टि हो जाती है। ये हमें समझना है। दूसरा हम क्या समझ सकते हैं, देखिए जो स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि भगवान की संतुष्टि करो, उससे क्या मिलेगा? भगवान की संतुष्टि से पंचभूत और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है दोनों शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई भगवान की संतुष्टि, अब भक्ति के द्वारा हम बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान की संतुष्टि होती है, अब उसके द्वारा हमें पंचभूत और ये जो माया है इससे छुटकारा कैसे मिल जाता है? देखिए, ये भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं। अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से, भगवान ये तीन गुणों के द्वारा माया हमें बांध के रखती है, ये तीन गुणों के प्रभाव से यानी आपके माया के प्रभाव से हम कैसे छूट सकते हैं? तो भगवान ने देखिए नहीं कहा कि ज्ञान के द्वारा आप छूट सकते हैं, भगवान ने नहीं बताया योग के द्वारा छूट सकते हैं, भगवान कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा। माम च यो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं जो भी मेरी शुद्ध भक्ति में लगा है तुरंत तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो मतलब क्या है? तीन गुणों के प्रभाव से ही ये शरीर का निर्माण होता है और सूक्ष्म शरीर का भी है, तो इनके प्रभाव से मुक्त हो जाता है और कहां पहुंच जाता है? ब्रह्मन स्तर पर आ जाता है। अभी हम कौन से स्तर पर हैं? भौतिक स्तर पर हैं। भौतिक स्तर से उठ करके ब्रह्मन स्तर पर जब हम चले जाएंगे तब भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। मतलब देखिए, भौतिक स्तर पर जब तक रहेंगे दुख ही दुख रहेंगे, इस स्तर से हमारी चेतना उठा करके आध्यात्मिक स्तर पर आ गए जिसे ब्रह्म भूत कहा जाता है, उस स्तर पर माने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक स्तर पर जब हम आ जाते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा, तो भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? प्रसन्न आत्मा, हम पूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति करते हैं भगवान की भक्ति। तो ये हमें जो है समझना है। अब आगे स्वयंभू मनु सोचते हैं कि भाई मैंने अब ध्रुव महाराज को भगवान की संतुष्टि कैसे होती है, मतलब वैष्णव धर्म क्या होता है वो तो समझा दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज अभी भी संतुष्ट नहीं है, अभी भी उनके मन के अंदर में मेरे भाई की जो है मृत्यु हो गई है वो दुख अभी भी उनके मन के अंदर में लगा हुआ है। तो अब स्वयंभू मनु जो हैं उनको ध्रुव महाराज को आत्मज्ञान के बारे में समझाते हैं। तो उस समय में वो बताते हैं कि हे ध्रुव, ये शरीर क्या है? ये शरीर केवल पंचभूत का बना हुआ मात्र है। तो वो कहते हैं हे ध्रुव, इस संसार की जो भी रचना होती है वो भी पंचभूत के द्वारा होती है, और जो एक स्त्री का शरीर है पुरुष का शरीर है वो भी पंचभूत का बना है। ये दो पंचभूत जब आपस में मिलते हैं, स्त्री और पुरुष जब उनका संबंध होता है तो कहते हैं और प्रजा बढ़ती है और उनके शरीर भी पंचभूत के ही होते हैं। मतलब जो स्वयंभू मनु समझाना चाहते हैं कि ये शरीर तो पंचभूत के द्वारा बनता है जो भगवान की माया शक्ति है, आत्मा तो इस पंचभूत शरीर से अलग है, ये जो है
स्वयंभू मनु अब ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मा शरीर से किस प्रकार से अलग है, शरीर कैसे बना है, भगवान की माया शक्ति जिसके पांच जो है एलिमेंट होते हैं, जिसे पंचभूत कहते हैं, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, मतलब पृथ्वी, नभ, फिर जल, अग्नि, ये जो पांच प्रकार के जो भौतिक पदार्थ होते हैं, इनके द्वारा ये सारा शरीर बनता है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से संबंध होने के बाद में प्रजा बढ़ती है, उनके शरीर भी तो पंचभूत के ही होते हैं। मतलब क्या है, वो क्या समझाना चाहते हैं कि तुम सोच रहे हो कि मेरे भाई को यक्षों ने मारा है, और स्वयंभू मनु बताते हैं कि वो तो केवल औजार मात्र हैं तुम्हारे भाई को मारने के लिए, अन्यथा मारने वाला कौन है, मारने वाला तो ये भौतिक प्रकृति ही है, क्योंकि जिस शरीर का जन्म भौतिक प्रकृति ने दिया है वही भौतिक प्रकृति में ये शरीर जो है दोबारा लीन हो जाता है। भगवद गीता में भी भगवान ने ये बताया। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि प्रकृति जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रही है बिना किसी के ऊपर निर्भर होकर के, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये तो भगवान ने जो है स्पष्ट रूप से बताया है, लेकिन फिर भी हमको समझना है कि प्रकृति कार्य कर रही है भगवान की अध्यक्षता में। तो प्रकृति ही पंचभूतों से शरीर बनाती है, कुछ देर के लिए शरीर रहेगा, इसकी जो है स्थिति होती है, और बाद में इस पंचभूत शरीर का प्रलय हो जाता है। जैसे इस संसार की भी रचना होती है, कुछ समय के लिए रहता है, बाद में इसका प्रलय हो जाता है। तो वो यही बताना चाहते हैं कि तुम मूर्खता पूर्वक सोच रहे हो कि यक्ष जो है वो मेरे भाई को मारने का कारण है, वो तुम्हारे भाई को मारने का कारण नहीं है। ये तो एक दिन शरीर जन्म होता है और शरीर जो है एक दिन पंचभूत में दोबारा मिल जाएगा, तो प्रकृति ही उसका कारण है। और प्रकृति कैसे कार्य करती है, भगवान की अध्यक्षता में, और वो तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। भगवान ने भी भगवद गीता में भी अर्जुन को यही बताया, अरे ये लोग तो मारे जाने वाले हैं, तुम केवल इंस्ट्रूमेंट, मेरे हाथ में एक औजार मात्र बन करके तुम जो हो ये कार्य करो। तो अब आगे जो है स्वयंभू मनु क्या कहते हैं, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।